उसको बताया है, अगर नहीं देखे हैं तो आप उसको देख लीजिएगा, तो आपको मालूम हो जाएगा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर प्रोनाउन है तो उसको कैसे हम बदलेंगे। आज हम बता रहे हैं, देखिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड वर्ब नहीं बदलते हैं, नहीं बदलता है। कैसे? जैसे ही से कामा इनोडेड कामा आई एम गोइंग टू स्कूल, यानी ही से वह कहता है आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। तो इसमें दो नियम है, जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो और जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो। अगर मान लीजिए यदि रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ हो और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो, यानी कर्म ना हो, अगर यानी कि आपके सामने कभी ऐसी सीन आती है कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है ये कर्ता से प्रारंभ है और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी कि कर्म नहीं है, तो समझ लेना हम से को से और सेज को सेज ही लिखेंगे। मान लीजिए किसी ने पूछ लिया, कहो कब से को से और सेज को सेज लिखा जाता है, तो हम बताएंगे कि जब रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ हो और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो, यानी कि कर्म ना हो, तो हम से को से और सेज को सेज में बदल देते हैं। जैसे ही, अब यहां सेज लिखा हुआ है तो यहां हम सेज को हमने सेज ही लिख लिया। क्यों लिख लिया? जैसा हमने अभी बताया, अब कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे, जैसा कि हमने बताया है पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री में हमने बताया है, जब जब रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ होगा तब तब हम कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का ही प्रयोग करेंगे। याद कर लेना, मान लीजिए किसी ने पूछ लिया कि कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग कब करते हैं, तो बताइए कि जब रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ होता है तब हम कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, कर्ता बदल गया हो, यानी कि कामा इनवर्टेड कामा हट गया, अब आएंगे कर्ता पर। अब देखिए रिपोर्टिंग रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता क्या है, अब यहां हमने देखा रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता आई है। अब देखिए, यानी कि 123 बटे सन, यानी फर्स्ट पर्सन क्या है आई और वी है, और सेकेंड पर्सन क्या है यू है, अब थर्ड पर्सन क्या है यानी ही सी और इट दे, अब किसी का नाम हो। अब देखिए इधर, यानी कि यहां आई आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन जो है किसके अनुसार बदलेंगे हम, रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार, यानी सब्जेक्ट के अनुसार। अब देखिए ये जो है आई सब्जेक्ट है, यानी नॉमिनेटिव केस है, तो यानी कि आई ये किसके अनुसार चेंज होगा, रिपोर्ट यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार, यानी कहने का मतलब ये भी करता है और ही को जहां हम बैठाने जा रहे हैं वो भी करता है, ही भी करते यानी कि सब्जेक्ट है, तो ही अगर सब्जेक्ट है इसको हम नहीं चेंज करेंगे। अब ई मतलब ई आर एम को पहले हम क्या करते थे, वाज या बेयर में बदल देते थे, यानी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते थे, यानी कहने का मतलब रिपोर्टेड स्पीच के कर्ता को तो हम 123 बटे सन के अनुसार बदलेंगे लेकिन उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, उसका टेंस हम नहीं बदलेंगे। अब क्यों नहीं बदलेंगे, क्योंकि हमने शुरू में बताया है जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो इसका टेंस हम नहीं बदलेंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस में है इसलिए इसका टेंस नहीं बदलेंगे, जिस टेंस में वही टेंस में रहेगा। लेकिन सहायक क्रिया जो है
जैसे हमने यहाँ कर्ता को हमने चेंज किया ही होगा, अब इसी से मतलब इसी टेंस की सहायक क्रिया यहाँ लगेगी, जैसे यहाँ आई है तो एम लग गया, अब ही के साथ ही इज हो जाए, रहेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का ही सहायक क्रिया लगेगी, जैसे इज आर एम तीन है, कर्ता को तो हमने चेंज ही किया है तो कर्ता के अनुसार हम उसकी सहायक क्रिया बदल देंगे, उसी की सहायक क्रिया लगाएंगे और बाकी हम जो करते उतार लेते हैं यदि उसमें प्रोनाउन नहीं है तब। तो अब जैसे इज मतलब आई को इज में हमने बदल दिया, यहां गोइंग टू स्कूल, जैसा दूसरा वाक्य है आई से मैं कहता हूं आई से माने मैं कहता हूं, कामा इनवर्टेड कामा, सीता माने सीता, इज ए गुड गर्ल, इज माने है ए गुड गर्ल, एक अच्छी लड़की, सीता एक अच्छी लड़की है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, पहले देखिए यानी कि रिपोर्टेड स्पीच जो है ये किससे प्रारंभ है, कर्ता से प्रारंभ है और कामा के पहले ऑब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने कहा है से या सेज को से या सेज ही लिखते हैं, अगर से है तो यहां से उतार लेंगे, यहां सेज है तो यहां सेज उतार लेंगे, क्यों उतार लेंगे, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए से या से रहे तो से उतरिए, सेज रहे तो सेज उतरिए, अब कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए रुक करके, यहां रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता क्या है, सीता है, सीता किसी का नाम है तो इसका मतलब ये क्या है, थर्ड पर्सन है, अगर यहां जब रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता थर्ड पर्सन हो तो इसको हम नहीं चेंज करते हैं बल्कि इसको हम उतार लेते हैं। अब यहां की क्योंकि वही कर्ता है तो वही सहायक क्रिया रहेगी, क्योंकि बताए हैं हम जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहेगा तो इसका टेंस हम नहीं बदलेंगे, इसलिए इसका टेंस नहीं बदलेंगे, इसको हम ज्यों करते हैं वैसे उतार लेंगे। ये है अब तीसरा वाक्य, ही सेज टू मी कामा इनवर्टेड कामा यू हैव डन योर वर्क, कहने का मतलब जब रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म हो और रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ हो तो हम क्या करते हैं, से को टेल में लिखते हैं और सेज को टेल्स में लिखते हैं, इसलिए हम ही अब यहां सेज है, अगर मान लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म है तो हम सेज को किस में बदलेंगे, टेल्स में बदलेंगे जैसा कि हमने नियम बताया है, और उसके आगे जो टू लिखा हुआ है इसको हम नहीं लिखेंगे, फिर उसके आगे वाले शब्द को उतार लेते हैं, कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, हमने बताया कि जब जब रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ हो तो समझ लेना कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का ही प्रयोग करते हैं। अब यहां देखिए प्रोनाउन भाग पांच में हम बताए हैं प्रोनाउन चेंज, प्रोनाउन को कैसे हम चेंज करते हैं, अब यहां देखिए अब रिपोर्टिंग जब कामा इनवर्टेड कामा हट जाए तो हमने कहा है तनिक रुक जाइए, अब हल्का से दिमाग से देखिए कि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता क्या है, यू है, यू जो है कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, अब जब रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता सेकंड पर्सन रहेगा तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, अब यहां रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, ये ऑब्जेक्ट है, यानी कहने का मतलब अब यानी यू को हम यहां के अनुसार बदलेंगे मी, अब मी क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, अब मी मतलब किस पर्सन का ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है, अब ये जो है ये सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव है, नॉमिनेटिव केस है,
तो जब ये तो मी जो है जब यहां जाएगा तो ये नॉमिनेटिव बन करके जाएगा। तो अब मी का मतलब नॉमिनेटिव केस में क्या होगा, मी का मुझे आई, मी का नॉमिनेटिव केस आई है। अगर यहां मी है इसको हम जिसकी जगह पर हम भेज रहे हैं अगर वो नॉमिनेटिव केस में है तो इसको भी हम नॉमिनेटिव केस में बना करके भेजेंगे। अब मी का जो नॉमिनेटिव केस होगा वही वहां जाएगा। तो मी का नॉमिनेटिव केस क्या है, आई है, आई लिख दिए। अब चूंकि जैसा हमने कहा इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो, नी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अगर कहीं प्रोनाउन लिखा है उसमें चेंजिंग होगा। रिपोर्टेड स्पीच के कर्ता को हम 123 बटे सन के अनुसार बदलेंगे, केवल हम टेंस को नहीं बदलेंगे बस। अब आई है डॉन, अब आप देखिए फिर रुक जाइए, अब योर जो है अब ये प्रोनाउन में आता है। अब देखिए योर, अब योर क्या है, पोजेसिव केस है भाई। अगर नहीं देखे हो तो भाग पांच देख लीजिएगा तभी समझ में आएगा। तो योर जो है वो पोजेसिव केस है। तो योर कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन। पहले तो देखिए कि जो यहां लिखा हुआ है वो किस पर्सन का पोजेसिव केस है। योर जो है वो सेकंड पर्सन का पोजेसिव केस है, इसका मतलब ये सेकंड पर्सन के अनुसार चेंज होगा। तो यहां यानी कि योर सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। ऑब्जेक्ट यहां मी है तो मी के अनुसार चेंज हो। अब मी को हम भेजेंगे किसकी जगह पर, योर की जगह पर। लेकिन मी है क्या, ऑब्जेक्ट है, और योर क्या है, पोजेसिव केस है। अब मी को जाना कहां है, पोजेसिव केस की जगह पे जाना है, इसलिए मी को पोजेसिव बना करके तब योर की जगह लिखेंगे। तो मी का पोजेसिव केस का हो जाए माई हो जाए। मी को हम पोजेसिव केस बना करके तब हम योर की जगह पर लिखेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि योर जो है पोजेसिव केस है। अब मी को हम जहां भेज रहे हैं पोजेसिव केस की जगह पर, इसलिए हम पहले मी को हम पोजेसिव केस बनाएंगे। मान लीजिए किसी ने पूछ लिया मी का पोजेसिव केस क्या होगा, माई होगा, तो योर की जगह माई होगा, वर्क हम उतार लेंगे। अब अगला देखिए एग्जांपल, यानी कि लिखा हुआ है देखिए। अब इसमें जो है एक दो एग्जांपल हम और बता देते हैं, केवल इसमें कुछ नहीं करना है, यानी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलना है। लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के कर्ता को 123 बटे सन के अनुसार बदल देना है, और यदि उसमें प्रोनाउन अगर आया है उसको चेंज कर देना है। केवल टेंस नहीं चेंज होगा बस। जैसे देखिए इधर आई से टू देम, यानी आई से आप देखिए, यानी कहने का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में देखिए यहां पर कर्म लिखा हुआ है। जैसा कि हमने कहा यदि रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म लिखा रहेगा तो हम क्या करते हैं, हम से को टेल में लिख देते हैं और सेज को टेल्स में लिख देते हैं। तो यहां से लिखा हुआ है तो यहां हम टेल लिखेंगे, अगर यहां सेज लिखा होता तो यहां टेल्स लिखे लिखते हम। तो अब उसके आगे वाले टू को हटा देंगे जो टू लिखा हुआ है, फिर हम देव है देव को उतार लेंगे, फिर कामा इनोटेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। क्यों, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ है, इसका मतलब है कि रिपोर्टेड स्पीच अगर कर्ता से प्रारंभ है तो कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। दैट अब हम यानी कि जब कामा इनवर्टेड कामा हट गया है, अब देखा कि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता क्या है, और हमने देखा रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता यू है, यू कौन सा पर्सन है। अब हमने देखा यू जो है सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता अगर सेकंड पर्सन है तो उसको हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं।
अब देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ यहाँ पर क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, देव है। अब देव क्या है, ये देव ऑब्जेक्ट है। किसकी जगह पे हम भेज रहे हैं, यू की जगह पर। यू है क्या, नॉमिनेटिव केस है। अब इसका मतलब कि देव को जब हम यू की जगह पर भेजेंगे तो देव को हम नॉमिनेटिव केस बना करके भेजेंगे। अब यानी कि जब पार्ट पांच में जाओगे तो उसमें हम सब पूरा हम लिख दिए हैं। अब देव का यानी कि नॉमिनेटिव केस क्या होगा, तो देव का नॉमिनेटिव केस है दे, उसमें हम लिखे हैं। अगर मान लीजिए किसी ने पूछ लिया कहो देव का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, तो देव का नॉमिनेटिव केस है दे। अब टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं तो हैव डन। अब यहां अब फिर नाउन को आई गया, जहां जहां नाउन मिल जाए वहां रुक जाइए। अब यहां देखिए योर लिखा हुआ है, योर है क्या, योर है पोजेसिव केस। अगर मान लीजिए किसी ने पूछ लिया क्या यानी योर जो है क्या, बताइए योर नॉमिनेटिव केस है या योर ऑब्जेक्टिव केस है या योर पोजेसिव केस है, तो इस तीनों में हम किस में टिक लगाएंगे, पोजेसिव केस में लगाएंगे। अब योर जो है पोजेसिव केस है। अब योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। योर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। अब सेकंड पर्सन हम किसके अनुसार चेंज करते हैं, वो रिपोर्टिंग वर्ब की ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। अब इसका मतलब कि ये योर जो है ये बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहां रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, देव है। अब हम देव को कहां भेजेंगे, योर की जगह भेजेंगे, समझा पहले। अब देव क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसको हम भेज रहे हैं योर की जगह पर। जिसकी जगह पर हम भेज रहे हैं वो क्या है, पोजेसिव केस है। तो इसका मतलब देव का जो पोजेसिव केस होगा उसी में हम चेंज करेंगे। तो देव का पोजेसिव केस होता है डियर, क्या होता है डियर, टी एच ई आई आर, डियर वर्ग, डियर वर्ग। यानी कहने का मतलब देव का नॉमिनेटिव केस क्या है, दे है, और देव का पोजेसिव केस क्या है, डियर है। अब अगला एग्जांपल और देख लीजिए, देखिए एग्जाम्पल पांच। तो एक एग्जाम्पल और हम बता देते हैं इस नियम को। यू से टू हिम कामा नोटेड कामा यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, यानी इसमें भी हम वही प्रोनाउन चेंज इसमें भी बता रहे हैं, इसमें हम मतलब प्रोनाउन चेंज भी बता रहे हैं। और ये भी हमने बता दिया कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहता है तो हम रिपोर्टेड वर्ब को नहीं चेंज करते हैं। अब देखिए ना, कहने का मतलब कामा के पहले जो लिखा हुआ है इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब जो है इसमें क्या ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट है और रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ है तो हम क्या करते हैं, से को से और से को टेल और सेज को टेल्स में बदल देते हैं। तो यहां से है तो यहां टेल हो जाए और उसके आगे वाले शब्द को उतार लेते हैं, नहीं टू को हटा देते हैं, टू को हटा देते हैं, उसके आगे वाले शब्द को उतार लेते हैं। कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ यानी रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता क्या है, यू है। अब यू कौन सा पर्सन है, अब देखेंगे यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। जब यू सेकंड पर्सन है तो अभी पता लगाएंगे कि मतलब किसके अनुसार चेंज होगा। जब रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता सेकंड पर्सन है तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। अब देखिए यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर हिम है। हिम क्या है, ऑब्जेक्ट है, और इसको हम किसकी जगह पर भेज रहे हैं, यू की जगह पर भेज रहे हैं। यू है क्या, नॉमिनेटिव केस है। इसका मतलब पहले पता लगाएंगे हिम का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, उसको अगर हम नॉमिनेटिव केस पर भेजेंगे तो नॉमिनेटिव बना करके भेजेंगे इसको। अगर इसको हम
पोजेसिव केस की जगह भेजेंगे तो इसको हम पोजेसिव केस बना करके भेजेंगे। तो हिम पे नॉमिनेटिव केस क्या होता है? ही होता है। मान लीजिए किसी ने पूछ लिया कि कहो हिम का नॉमिनेटिव केस का हो है, तो हम बताएंगे हिम के नॉमिनेटिव केस ही हो है। अब यानी कि यहां हैव है, अब क्योंकि यो बहुवचन में था इसलिए यहां सहायक क्रिया है लिखा है, लेकिन ही एक वचन है इसलिए हम इसको हैज कर देंगे। एक वचन की है वही टेंस, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सहायक क्रिया हैज या हैव, अगर हैज लिखते हो तब भी वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही रहेगा और हैव लिखते हो तब भी वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहेगा। तो हैज और फिनिश्ड, फिनिश्ड। अब फिर देखिए यहां फिर हम नाउन हमको मिला, अब यहां योर है। अब देखिए योर कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन का ये क्या है? योर, योर है पोजेसिव केस, योर जो है ये पोजेसिव केस है। अब यानी कि जब योर जो है पोजेसिव केस है, ये सेकंड पर्सन का है पोजेसिव केस, इसका मतलब सेकंड पर्सन किसके अनुसार हम चेंज करते हैं? तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो यहां रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? हिम है, और हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब फिर इसको कहेंगे भैया तुम चले जाओ योर की जगह पर, तो ये पूछेगा कि योर यानी कौन, योर क्या है? तो योर क्या है? पोजेसिव केस है। तो हिम को पोजेसिव केस में बनाएंगे, हिम का जो पोजेसिव केस होगा वो योर की जगह पर जाएगा। अब हिम का पोजेसिव केस क्या होता है? हिज होता है, इसका मतलब योर की जगह पर हिज हो गया। मान लीजिए किसी ने पूछ लिया कि योर की जगह पर हिज काहे पर हो गया, बताइए योर जो है पोजेसिव केस है और योर सेकंड पर्सन है, तो इसको हम बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट हिम है। अब हिम को अगर पोजेसिव केस की जगह पर भेजेंगे तो पहले हम हिम को पोजेसिव केस बनाएंगे, तब हम पोजेसिव केस की जगह पर भेज सकते हैं। तो हिम को, हिम का पोजेसिव केस होगा ही। अब आगे हम इसको उतार लेंगे, ये है। आज के भाग में हमने क्या बताया है? केवल यही एक चीज हमने याद रखिएगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहे तो समझ लेना कि रिपोर्टेड वर्ब नहीं बदलेगा, यानी उसका टेंस नहीं बदलेगा, पहली बात। और रिपोर्टेड स्पीच के कर्तक को हम चेंज करेंगे 130 वचन के अनुसार, और उसमें जो प्रोनाउन रहेगा वो चेंज होगा, केवल हम टेंस को नहीं बदलते हैं। और हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।